नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर योसेफ काले है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला में। बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में हमने थोड़ी जानकारी ली थी पार्ट वन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिएगा। इस वीडियो में हम बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट और बाकी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर वन या टू दोनों का भी इलाज संभव है। जैसे बाकी बीमारियां होती हैं कि जैसे आप जल्दी जाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी होगा, उसका आउटकम अच्छा होगा, वैसे ही बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट ज़रूर संभव है। और अगर आप जल्दी आते हैं तो उसका रिस्पॉन्स भी जल्दी आने के चांसेस होते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर वन मतलब कि सीवियर मेनिया। सीवियर मेनिया में या तो हम क्लाइंट को, पेशेंट को एडमिट करते हैं और एडमिट करके उनको एंटी मेनिया दवाइयाँ देते हैं, या फिर उनको ओपीडी लेवल पे उनका मेनिया कम करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। और जब वो रिमिशन में जाते हैं या ठीक होने लगते हैं तब उनका काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि बाइपोलर डिसऑर्डर की वजह से या तो पेशेंट या क्लाइंट खुद के लिए हार्मफुल हो सकता है या दूसरों के लिए हार्मफुल हो सकता है। खुद के लिए हार्मफुल एज इन खुदकुशी भी हो सकता है, या फिर फाइनेंशियली बैंक्रप्ट भी हो सकता है, या फिर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट भी हो सकता है। तो ये सारे हार्म्स, ये जस्ट मैं कुछ बता रहा हूँ, इससे भी काफ़ी हार्म वो पेशेंट को या क्लाइंट को या उनके फैमिली को हो सकता है। थोड़ा सा बच्चों में ट्रीटमेंट अगर मैं बाइपोलर के बारे में बताऊँ तो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। क्योंकि बच्चों के बोन्स ग्रोइंग होते हैं, दांत ग्रोइंग होते हैं, ब्रेन ग्रोइंग होता है, तो उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अडल्ट पॉपुलेशन से अलग होता है, जिसमें साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल सेफ्टी देख के हम ट्रीटमेंट करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर एक बार आपका ठीक हो गया, आपका ट्रीटमेंट कोर्स पूरा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी कभी बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाइपोलर डिसऑर्डर का मेन ही स्ट्रेस है, और स्ट्रेस पूरी लाइफ हमें रहेगा ही रहेगा। तो स्ट्रेस अगर जब हम हैंडल नहीं कर पा रहे या बहुत बड़ा स्ट्रेस हो गया तो बाइपोलर डिसऑर्डर फिर से होने के चांसेस हो सकते हैं। जब भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो ट्रीटमेंट कंटिन्यूस ले, जैसे डॉक्टर बता रहे, जितने डोजेज में बता रहे उतने डोजेज में ले। अगर आपको मेडिसिन की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, जैसे कि बाइपोलर ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं वो है नींद ज़्यादा आना या फिर वेट ज़्यादा बढ़ना। ये दो कंप्लेंट्स बहुत कॉमन होते हैं। अगर आपको ये दोनों कंप्लेंट्स हो रहे हैं तो आपके डॉक्टर से जाके सलाह लें, मेडिसिन चेंज करने का रिक्वेस्ट करें। इसको खुद से बंद ना करें या डॉक्टर फ्रिक्वेंटली चेंज ना करें। बाइपोलर डिसऑर्डर ही नहीं, सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में केयर गिवर्स या फैमिली सपोर्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा हम टॉन्ट में बात करते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ, और ये जो टॉन्ट है वो एक क्लाइंट के लिए या पेशेंट के लिए ट्रिगर का पार्ट बन सकता है, जिसकी वजह से उनका डिप्रेशन या मेनिया मतलब बाइपोलर उनका ट्रिगर हो सकता है। तो जो भी आप केयर गिवर्स हो, मैं जानता हूँ कि आप बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हो एक पेशेंट के या क्लाइंट के लाइफ में। मैं कहूँगा कि उनको समझो, उनके बीमारी को पहले समझो, बीमारी का स्वरूप समझो, उनको मेडिसिन टाइम टाइम देते जाओ, उनको फॉलोअप टाइम पे लेके आया करो। आप खुद को भी आपने ब्रेक लेना ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूस किसी पेशेंट की केयर करके केयर गिवर्स बर्नआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो केयर गिवर बर्नआउट की वजह से आप पेशेंट या क्लाइंट पे अपना गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन ना निकालें, आप डॉक्टर के पास आके बात करें। और आपके कोई भी सवाल होंगे तो आपके डॉक्टर्स, आपके काउंसलर्स या हमसे आके बात करें, या हमें आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।